Good morning, students. As we done our earlier chapter studying the past, in that chapter we studied about the history and the period of history. How many types? How many uh, types of period in history? Or, today our chapter is life of early man. We do not know the exact place of the origin of mankind. However, evidences indicate.

हम नहीं जानते हैं हाउ एवर एविडेंसी एविडेंस इंडिकेट लेकिन जो एवि मी है डवेल्व इन अफ्रीका कि शायद वो अफ्रीका से शुरू हुई एज दिस एरिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्योंकि ये जो अफ्रीका का जो एरिया है ये एक फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है यहाँ पर जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ पनप सकती है तो हम मानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई अफ्रीका से इट इज़ बिलीव्ड दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पीशीज़ मे हैव वंडर्ड टू एशिया यूरोप एंड अमेरिका और हम ये भी माना जाता है कि शुरुआत तो अफ्रीका से हुई लेकिन बाद में ह्यूमन स्पीशीज़ घूमते घूमते एशिया यूरोप और अमेरिका तक चली गई आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन द रिमेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉसिल्स एंड टूल्स दैट है फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई द आर्क्योलॉजिस्ट हमारी इंफॉर्मेशन जो है अर्ली मैन के बारे में वो किस चीज़ पर बेस है वो बेस है जो रिमेन्स बचे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के जो चीज़ें हैं फॉसिल्स और जो टूल्स हैं जो उजार वो यूज करते थे जो कि खोद कर निकाले गए हैं अलग अलग पार्ट में आर्किलॉजिस्ट के द्वारा वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन ज्यादातर टूल स्टोन के बने हुए हैं द पीरियड वेन दिन टूल्स वर यूज इज नोन एज दीरियड जब आदमी जो अर्ली मैन था वो स्टोन के औजार यूज किया करता था तो उस एज को हम स्टोन एज मानते हैं इट इज कौन से फेजेज हैं वो सबसे पहले पहले आया पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज मीन स्टोन एज को हम तीन पार्ट में बांट रहे हैं सबसे पहले आई ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज का मतलब सबसे पुरानी इसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं फिर आई मिडल स्टोन एज इसको हम मैसोलिथिक कहते हैं और फिर आई न्यू स्टोन एज इसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं तो इनको लर्न करने का बेटर है जैसे मिडल में एम है और मैसोलिथिक में भी एम है न्यू स्टोन एज में एन है और न्योलिथिक में भी एन है और बाकी ये बच गई अकेली तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे कि ओल्ड स्टोन एज को क्या कहते हैं तो पैलियोलिथिक मिडल स्टोन एज को मैसोलिथिक और न्यू स्टोन एज को न्योलिथिक एज कहते हैं डू यू नो फोसल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेब्ड इन रोक्स फॉसिल्स वो बची हुई जो मतलब डेड प्लांट्स के एनिमल्स के ह्यूमंस के जो कि मिट्टी के या चट्टानों के बीच में दब जाते हैं वो उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं फॉसिल फ्यूल कहते हैं ना जैसे फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं जो पेट्रोल है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो कई साल तक जो ह्यूमंस और जो भी प्लांट्स वगैरह वो दबे रहे तो उनकी वजह से इतने सालों की जो ये प्रोसेस है उसके बाद पेट्रोल बनता है ठीक है इसको पेट्रोल और जो प्लांट्स दब गए हैं उनकी वजह से बना है कोयल तो इसीलिए फोसिल फ्यूल जो है काफ़ी सालों करोड़ों लाखों करोड़ों सालों के बाद बनते हैं इसीलिए बार बार आपको ये सजेशन दिया जाता है कि जितना हो सके फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करें क्योंकि ये जल्दी से रिन्यू नहीं होते हैं उसके बाद ये आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स बताई हैं अलग अलग यहाँ पर देखिए आप ये जहाँ पर आपको इस तरीके का निशान दिखाई देगा ये जो जहाँ पे भी हैं यहाँ पर पैलियोलिथिक जो है पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं मीन्स जो ओल्ड स्टोन एज है वहाँ के ये देखिए यहाँ पर हुसी में है और यहाँ पर उज्जैन में है और भी एक दो जगह हो सकती है ढूंढिएगा आप इसमें ठीक है और उसके बाद जो ये सर्कल जहाँ जहाँ दिखाई गई हैं वो मिडल स्टोन एज के हैं मिडल स्टोन एज ये देखिए यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये यह सारे जो हैं मिडल स्टोन एज के हैं यहाँ पे ठीक है ये जो साइट्स हैं यहाँ पर मिडल स्टोन एज के आ, जो प्रूफ हैं वो मिले हैं उसके बाद जहाँ पर स्क्वायर है वो है नियोलिथिक ऐज जहाँ जहाँ स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है ये है ये है यहाँ है ये ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि ये बाद वाली एज है तो इसलिए ये नियोलिथिक ऐज की साइट्स हैं आप इनको अच्छे से देखना कि कहाँ कहाँ पे ये हमें मिलती हैं

वो उनको मतलब उन्हीं औजारों को जिससे वो वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था उन्हीं औजारों को वो यूज़ करता था एनिमल्स का शिकार करने के लिए मीट को चॉप करने के लिए वुड काटने के लिए और डिगिंग के लिए इनके लिए यूज़ करता था द टूल्स वर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स इन यू टूल्स को हम कोर और फ्लेक टूल कहते हैं द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाई शार्पनिंग द एजेस कोर टूल्स को कैसे बनाया जाता था जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको तीखा करके शार्पन उनको शार्प करके उनके एज्स को एजिस क्या होते हैं जो उनके किनारे होते हैं फिर उनको बनाया जाता था और फ्लेक टूल कैसे बनाए जाते थे फ्लेक टूल्स वर फोम्ड व्हेन फ्लेक यानी कि ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन जब हम एक बड़े स्टोन से कुछ बनाते थे तो वो तो था कोर और जब इस बड़े स्टोन के टुकड़े छोटे छोटे बन जाते थे और इनसे अगर हम कोई औजार बनाते थे तो उसको कहते थे फ्लेक्स ओके दिस ऐसे ही बनाए हुए थे कोई उनकी शेप नहीं होती थी ना कोई उन पर पॉलिश होती थी द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉर्ड वॉज फूड हंटर एंड गैदर इस टाइम का जो मैन था पैलियोलिथिक ऐज का जो मैन था वो क्या था फूड हंटर था या फूड गैदरर था मीन्स तब तक उसने खेती करना नहीं सीखा था वो अपनी आ, मतलब शिकार वगैरह करता था वो उस टाइम का जो शुरू में आप जिस अर्ली मैन को पढ़ते हैं वो पैलियोलिथिक ऐज का था हु मूव फ्राम वन प्लेस टू अन अदर इन सर्च ऑफ फूड जो फूड की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मैन ड्यूरिंग दिस पीरियर वॉज मैन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर तो आपने आपको ये तो पता है कि पहले आ, आदमी ने फायर के बारे में सीखा फिर उसको क्रॉप्स के बारे में पता चला उसने एग्रीकल्चर करना सीखा है न लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि किस एज के अंदर उसने फायर को डिस्कवर किया किस एज के अंदर उसने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया किस आ, आ, एज के अंदर उसने व्हील को डिस्कवर किया तो इसमें पैलियोलिथिक एज की जो अचीवमेंट थी वो थी फायर और ये फायर क्यों बनी ये फायर इसलिए बनी कि जब वो बैठा था और वो जैसे स्टोन के टूल्स तो बनाता था तो जब वो स्टोन के दो और स्टोन के टूल्स कैसे बनाता था उसके पास उसको काटने के लिए कोई अलग से औजार थोड़ी थे वो पत्थर को देता था पत्थर से पत्थर को ही शेप दी जाती थी तो जब वो उन दोनों को आपस में घिस रहा था तो उसमें से एक चिंगारी निकली और वो चिंगारी दूर जाकर एक जो वहाँ पर ग्रास थी उसमें लगी और उस ग्रास में लगने की वजह से वहाँ पर आग लग गई और इस तरीके से पहले तो वो डर गया लेकिन बाद में उसने देखा कि उसने आग ने उसको गर्मी दी फिर उसने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि उससे हम खाना भी पका सकते हैं तो ये सब टाइम टू टाइम धीरे धीरे होता रहा तो जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी मैन की इस पीरियड के दौरान वो थी एक्सीडेंटली उसे उसने कोई पता नहीं था कि उसको ऐसे होगा जब वो टू स्टोन को रब, रब तो गर्माहट दी बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स बल्कि वाइल्ड एनिमल्स से उसे बचाया क्योंकि जहां पर आग जलती थी वहां पर वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते थे मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रा फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर फिर उसने बाद में आग में जो वो कच्चा खाता था पहले मीट उस मीट को उसने टेस्टियर और सॉफ्टर बनाने के लिए भी फायर का यूज़ किया सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड है फाउंड इन इंडिया एट भीम बेटका होंसगी और कुरनूल इन तीन जगह पर हमें को स्टोन के ऊपर घसता था ये घिसने के बाद जो है इस तरीके के टूल्स बनाए जाते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं इनकी शेप है नुकीली है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जैसे आजकल टूल्स होते हैं वैसे कोई टूल्स हो डू यू नो मैन यूज टू लिव इन वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज लाइक पिट हाउसेज केव्स एंड ओपन एयर साइट्स अर्ली मैन इन जगहों पर रहता था पिट हाउसेस क्या होते हैं जैसे गट्ठा खोद के उसके अंदर या केव्स के अंदर या ओपन एयर साइट्स में पेड़ों पर पे चढ़ जाता था तो यहाँ पर रहता था वो आर्क्योलॉजिस्ट हाउसेस इन गुरजा होम आजकल कश्मीर में है वहाँ पर उसको पिट हाउसेस मिले हैं आर्क्योलॉजिस्ट uh, जो हैं विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग टू दैट अब आ गई है हमारी मैसोलिथिक एज मैसोलिथिक एज का मतलब मैसो का मतलब लिथिक का तो आपको पता ही है लिथिक का तो स्टोन मतलब होता है और मैसो का मतलब हो गया मिडल तो इसका मतलब क्या हो गया मिडल स्टोन एज मैसो मींस मिडल हैंस दिस एज रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज अब जो ये दो हैं एक तो ओल्ड हो गई और एक न्यू हो गई इनके बीच में जो बनी वो हो गई मिडल तो मिडल जो है इन दोनों को कनेक्ट करती है द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड यूजिंग होन्स एंड बोन्स अब इस स्टेज पे आके इस एज में आके जो अर्ली मैन था उसने होन्स के यानी सिंगों के और बोन्स के यानी हड्डियों के जो वो जानवरों को मार के खाता था उनके जो सींग तो नहीं खाता था ना उनकी हड्डियाँ खाता था वो तो सिर्फ मांस खाता था तो वो जो बच जाते थे उसने देखा कि वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग हैं उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर उसने क्या किया उसने उ, उसी के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने स्टोन टूल्स को बंद कर दिया इन एडिशन मीन्स स्टार्ट स्टार्ट कर दिए लेकिन स्टोन टूल्स भी चल रहे थे ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक्स एंड यूज दैम टू हंट एनिमल्स फिर उसने धीरे धीरे पहले तो आ, ऐसे ही होते थे बाद में उसने क्या किया इन स्टोन्स को या इन टूल्स को जो बोन्स ऑन हॉर्न्स के बनते थे इसको एक स्टिक्स से बांधना शुरू कर दिया और ताकि वो दूर से भी शिकार कर सके द मैन ऑफ मैसोलिथिक एज स्टार्टिड मेकिंग हार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अब इस एज में आके उसने ट्रीज की uh, ब्रांचेस के साथ हट्स को बनाना शुरू किया ही कंटिन्यू टू ईट अ वाइटी ऑफ सीड्स बेरीज रूट्स नट्स और फिश ये उसने एज एज एंसेस्टर्स डिट कि उसने uh, ये खाना जारी रखा ये उसने uh, खाना जारी रखा जो भी है ये बीट रूट वगैरह जो कुछ भी है फिर क्या हुआ ग्रेजुअली द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर फिर वो क्या बन गया फूड प्रोड्यूसर बन गया एंड ही मूव क्लोज टू वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स एंड लेक्स और फिर वो रिवर्स और लेक के पास रहना उसने स्टार्ट कर दिया द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एग्रीकल्चर की शुरुआत है वो इसी पीरियड में हुई कौन से पीरियड में मिडल में मिडल स्टोन एज के अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई When द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स इन द soil टू ग्रो प्लांट्स जब उसने प्लांट्स को उगाने के लिए मिट्टी के अंदर बीज जो है वो डालने स्टार्ट कर दिए ही ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स फिर उसने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया जैसे काउ गौ शीप पिग इन सबको इट इज सैड दैट डो बोज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाई मैन ये आपको ध्यान रखना है कोल्ड एंड रेन विद द स्किन ऑफ एनिमल्स और उसने अपने आप को ठंड से और रेन से किस तरह बचाना शुरू किया एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे वो अपने आप को बचाता था उसको अपने बाहर लपेट लेता था उससे उसको गर्मी मिलती थी इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मैसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन जोरवा चंदोली एंड सिगामपुर ये जो जगह है यहां पर हमें मिडल एज के प्रूफ मिलते हैं अब आते हैं हम नियोलिथिक पे लिथिक का मतलब वही स्टोन और नियो का मतलब न्यू तो इसका मतलब हो गया न्यू स्टोन एज न्यू मींस न्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर न्यू स्टोन टूल्स विच वार्डर एंड स्ट्रोंगर इस पीरियड के अंदर उसने उस टूल्स को प्रिपेयर किया जो कि हार्ड भी थे और स्ट्रोंग भी थेम स्किल्ड टूल एक टूल पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स एंड वेपन्स अब उसने अपने वेपन्स और टूल्स को पॉलिश करना भी शुरू कर दिया डू यू नो द लाइफ ऑफ न्योलिथिक पीपल वॉज नॉट अट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज देवर गुड हंटर्स They learn to organize hunting and store food uh, for the long winter. जो Neolithic people थे, means जो uh, New Stone Age के जो लोग थे, उनका मतलब वो ये जितना जो uh, Old Stone Age और Middle Stone Age का जो early man था, उसकी कंपैरिजन uh, के अंदर जो नियोलिथिक पीपल थे वो थोड़े से उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ इतना नहीं था जितना पहले था हिज वेपन्स इंक्लूड स्टोन एक्स नाइव स्पीयर्स हारपोन्स वुडन बोल स्टोन टिप्ड टिप्ड ये उसके मेन औजार थे एक्स है नाइफ है ठीक है द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ये टूल्स मिले हैं द प्लेस रिलेटेड टू द नियोलिथिक एज इन इंडिया आर बुरज़ा होम मिहारगढ़ चिरंद दाउजली हाइडिंग हल्लूर और कोडिवा यहाँ पर जो है ये प्लेसेस इंडिया के नियोलिथिक एज से रिलेटेड है द न्योलिथिक मैन स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रीन्स लाइक राइस व्हीट एट्सट्रा ये चीज़ उसने उगाना शुरू कर दिया ही रिगार्डिड अर्थ एज द मदर एंड वर्शिप डिड उसने मदर जो अर्थ है उसको अपनी माता माना और उसकी पूजा की क्योंकि वही उसको जो है ग्रेन देती थी द न्योलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ यह आपको ध्यान रखना है कि जो नियोलिथिक मैन था वो डेथ के बाद की लाइफ में बिलीव करता था द डेड वर्क ब्यूरिड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्सो टूल्स एक्सेट्रा वो मानता था कि इंसान को मरने के बाद भी वो इन चीज़ों को यूज करेगा उसको जरूरत पड़ेगी तो वो जब स्पोर्ट्स है टूल्स है दैट दे यूज इन दियर लाइफ जो जो चीजें वो अपनी लाइफ में यूज करते थे इट वॉज बिलीव्ड दैट दे माइट नीड दैम इन अनदर लाइफ ये माना जाता था कि दूसरी लाइफ में भी उनको उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स व इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्सिथिक एज तो इसकी अचीवमेंट क्या थी एक तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स उसने क्रॉप्स को उगाना सीख लिया था और उसने एनिमल्स को पालना सीख लिया था डोमेस्टिकेशन बीन उनको पालना ये दो अचीवमेंट थी इस एज के एज डिड नॉट हैव टू मूव कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ फूड अब वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता नहीं था ही स्टार्टेड लेडिंग सेटल्ड लाइफ तो उसने एक सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी द सेटल्ड लाइफ गेव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली और जब वो सेटल लाइफ जीने लगा तो इससे क्या बना फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो बना ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैन डिवेलप्ड न्यू स्किल्स और जब उसके पास टाइम भी है अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि पहले तो उसको पता नहीं कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता था अब उसके पास टाइम भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी तो उसने नई नई स्किल्स जो डेवलप करनी स्टार्ट कर दी ही इन्वेंटेड द सिकल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रांस एक्स फॉर कटिंग ट्रीज एंड ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड द ग्रीनस ये चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी बनानी और अपनी मतलब स्किल को इम्प्रूव किया उसने

आवरी और बोन से उसने स्टैचूज छोटे छोटे स्टैचूज बनाए सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसज और सेटल लाइफ से उसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस भी जन्मी जैसे मदर मानता था वो अर्थ को जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसमें भी बिलीव करता था द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्योलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील ये आपको ध्यान रखना है इन्वेंशन ऑफ व्हील ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये नियोलिथिक जो एज आई थी उसके अंदर फायर का तो जो इन्वेंशन था वो ओल्ड स्टोन एज में ही हो गया था लेकिन इसका व्हील का जो इन्वेंशन था वो नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज में जाकर हुआ पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेज एंड शेरियर्स दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक स्पिनिंग एंड पोट्री सॉरी पोट्री तो स्पिनिंग और पोट्री में भी क्योंकि व्हील यूज़ होता है आज भी आप देखिए आप, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको तो ये लगता है कि व्हील सिर्फ गाड़ियों में लगे होते हैं है ना जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें लगे होते हैं लेकिन नहीं अगर आप आस कितनी भी मशीनें देखेंगे बेटे कितनी सारी मशीनें लगी हुई हैं हमारे आसपास वो जितनी मशीनें हैं उन सब में व्हील का यूज़ होता है व्हील ही तो होता है जो बेल्ट को घुमाता है और मशीन को चलाता है तो सिर्फ व्हील का यूज़ Uh, ट्रांसपोर्ट में ही नहीं बल्कि हर एक चीज के अंदर व्हील का यूज होता है छोटे से छोटा व्हील आपको मिल जाएगा आप रेडियो में भी देखेंगे उसमें भी आपको व्हील मिलेगा अब है द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पोट्री उसने ये पोट्री है बेटा ये अलग अलग तरह की चीजें उसने बनाई हैं स्टोर करने के लिए क्योंकि ग्रेन तो उसने उगाना सीख लिया लेकिन अब उसको पता है कि वो इतना ग्रेन एकदम तो नहीं खा सकता तो स्टोर करने के लिए उसे कोई चीज़ चाहिए थी तो उसने क्या किया पोट्री को बनाना शुरू किया इन द बिगनिंग द हैंडमेड मेड पोर्ट्स वर ड्राइड इन द सन एंड यूज पहले तो हैंडमेड पोर्ट्स बनाए जाते थे उनको uh, मतलब धूप में सुखाया जाता था और यूज़ किया जाता था लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पोर्ट्स बाद में उसने देखा कि आग से भी वो उनको पका सकता है तो उसने उनको बेक करना स्टार्ट कर दिया बेकिंग ऑन द फायर गेव लास्टर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स इससे क्या हुआ आ, कि जो आ, आग पे वो पकाने लग गया तो उससे एक तो उसकी पॉलिशिंग अच्छी हुई स्ट्रेंथ मिली उसको वो और ज़्यादा पक्का हुआ क्योंकि गीली मिट्टी को वो पहले धूप में सुखाता था तो धूप में सूख तो जाती थी वो चीज़ें लेकिन जैसे ही वो बारिश में गिली हुई तो वो गीली मिट्टी होती थी तो वो ख़त्म हो जाता था लेकिन जब उसने आग पर पकाना शुरू किया तो वो स्ट्रेंथ अब जो अपने मटके होते हैं वो आग पर पके हुए होते हैं तो वो पानी में कितनी भी देर रहे वो गलते नहीं हैं लेकिन कच्ची मिट्टी होती है वो गल जाती है तो उससे उसको ड्यूरेबिलिटी मिली यानी कि लंबे टाइम तक वो उसको यूज़ कर सकता था दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स लीव्स और फिर उन आ, उनके ऊपर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया कार्विंग करना शुरू कर दिया अलग अलग तरह की इट मे हैव बिन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पोर्ट्स इन कैंस दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूज सम समर मेल्ट तो शायद पकाते हुए जब वो इन क्ले पोर्ड्स को पकाता था तो उसने डिस्कवर किया कि जब भी और मेट जो मेल्ट होती हैं तो उससे मेटल प्रोड्यूस होता है मेटल कोई भी इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन और ये माना जाता है कि कॉपर फर्स्ट मेटल था जो आदमी ने डिस्कवर किया हैंस द स्टोन एज केम टू एन एंड and the metal age began when men started using copper tools in addition to the stone tool and implements अब देखो पहले तो वो stone के use किया करता था फिर वो bone पे आया फिर उसने unki skills को और improve किया अच्छा किया और अब जब वो इन मटकों को पकाता था आग में तो उसने डिस्कवर किया कि जब और मेल्ट होते हैं तो उससे मेटल बनता है तो मेटल को उसने डिस्कवर किया इस एज में उसको कॉपर माना जाता है कि सबसे पहले उसको कॉपर मिली और इसलिए कॉपर के टूल्स उसने बनाने स्टार्ट कर दिए स्टोन टूल्स के साथ दिस पीरियड इज नोन एज द चालकोलिथिक पीरियड चालको मीन्स कॉपर इसको हम चालकोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं उसके बाद है यू विल बिट सरप्राइज टू नो दैट अप टू दिस पीरियड द इवेंट एंड सिमिलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस पीरियड तक जो इवेंट्स और स्टोन टूल्स हैं, वो सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में बिल्कुल लेकिन मेटल जो है उसने ह्यूमन की सोसाइटी के अंदर एक रिवॉल्यूशन मीन्स एक क्रांति लादी डिफ्रेंसिस इन द स्पीड एंड लेवल ऑफ डिवेल्पमेंट वर नोटिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दस नियोलिथिक पीरियड वॉज अ स्टेप टवर्ड्स द डवेल्पमेंट ऑफ सिविलाइजेशन तो ये जो स्पीड और लेवल है डवेल्पमेंट के वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग थे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इसलिए नियोलिथिक जो पीरियड है उसको हम जो डवेल्पमेंट है सिविलाइजेशन की उसकी तरफ एक बहुत अहम कदम मानते हैं तो ये बेटा आपके हो गया चैप्टर कंप्लीट ये आपके कीवर्ड्स हैं बेक कॉर डोमेस्टिकेशन फ्लेक और लस्चर अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका अगली एक्सरसाइज वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा से और हो सके तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ओके इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं आपने टिल देन Stay home. Stay safe.